नमस्कार आदाब, मैं हूं मरहबा अख्तर और आप देख रहे हैं रियल विजन। रियल विजन में आपका स्वागत है। चांदपुर बाजार में चाट खाकर लौट रहे एक युवक का मामूली विवाद में दो भाइयों से मिलकर काटा कान। घायल युवक के चिल्लाने पर भीड़ जमा होते देख दोनों भाइयों को मौके से फरार। गंभीर हालत में युवक को कराया गया हायर सेंटर में भर्ती। पुलिस ने संबंधित धाराओं से मुकदमा दर्ज कर की कार्यवाही शुरू। चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर नगला का मामला। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर नगला का है, जहां के रहने वाले अशोक कुमार का आरोप है कि उसके गांव के ही विकास और उसके भाई संजय ने जब बाजार से चाट खाकर लौट रहा था तो वह दोनों रास्ते में उसे मिले और रोककर गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर दोनों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से हमला करने पर पीड़ित का दोनों युवकों ने कान काट दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है। दोनों ही आरोपी युवक घर से फरार बताए जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ पड़ता है? जिला बिजनौर। क्या मामला हुआ जो आपका कान काटता है? दारू पी के घूम रहा था, रास्ते में चला था, मार दी। कैसे काटा जी? छुरी से, चाकू से। किसने? विकास ने। ये कहाँ का है? हम पार्किंग कर रहा था। क्यों काटा, क्या बात हो गई? दारू पी रखी थी ना, सवाल से लड़ाई कर रहा था। अब आपने क्या थाने में कंप्लेन करी है? कहाँ पर? तमाम खबरों को देखने के लिए रियल विजन को सब्सक्राइब करें।